Hello students, welcome to IFS. I believe you can hear me properly and clearly. Please write down in the comment box जो जो आ चुके हो जी. Write down in the comment box आज हमारे साथ कौन कौन है. तो yes जी, आपको पता है बहुत ही जल्दी आने वाला है आपका CUET का examination और इस examination में जो part A होता है उसमें जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स, इंग्लिश रहते हैं, उसी तरह आपका जनरल अवेयरनेस का सवाल भी आता है. करीब करीब आप देख सकते हो 5 सवाल हर साल आए हैं जनरल अवेयरनेस में से. अभी जनरल अवेयरनेस में कैसे प्रिपरेशन लेना है, ये सेशन हो रहा है स्पेशली फॉर स्टूडेंट. हमारे स्टूडेंट जो है राकेश, वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग. वॉइस इज स्लो, सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ द वॉइस इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज प्रॉपर एंड फाइन. Please write down in the comment box if everything is proper and fine. Please let me know कि voice proper है कि नहीं है जी. Please let me know voice proper है कि नहीं है. Very very good evening all of you. अभी बताइए जी, voice सही है? Can you hear me properly? Please write down in the comment box. Please write down in the comment box. माइक थोड़ा ऊपर कर लो सर, ऊपर तो है जी, ऊपर तो है, आप थोड़ा बताइए. वेरी वेरी गुड इवनिंग दीपा सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग सचिन मौर्य, राकेश गुर्जर, वेरी वेरी गुड इवनिंग आदित्य शुक्ला, निशिता राय, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम जी, वेलकम टू द सेशन. देखिए दिस विल बी अ क्विक सेशन और विद इन दिस हाफ एन आवर दिस क्विक सेशन में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है. हर्ष द्विवेदी, वेरी गुड इवनिंग, आकांक्षा गुड इवनिंग, निशिता सर वॉइस सही आ रहा है, बहुत खूब, सचिन गुड इवनिंग, आयुषी, इशिता, अर्जुन कुमार यादव, नमस्ते जी, वेलकम एवरीवन, वेलकम जी. तो देखिए ये जो सेशन हो रहा है दिस इज स्पेशली फॉर यू. पता है आपका मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल्स का जो लेक्चर है वो मैं ले चुका था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बता रहे थे कि सर हम लोग ये जनरल अवेयरनेस के लिए कैसे पढ़ाई करें. तो इसके लिए IFS के तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड 1 वीक का एक सीरीज आ चुका है जी. आई बिलीव दिस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि हर दिन हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इनमें से बहुत सारे PYQs होने वाले हैं, तो यू विल गेट द आइडिया आपके एग्जाम में कैसे सवाल आने वाले हैं. उसके साथ साथ जी मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूं कि जी हाँ ये टाइप का सवाल आ रहा है, ये चीजों के बारे में पढ़ाई करके जाओ, ज्यादातर सवाल आ सकता है. तो चलिए शंभावी, वेरी गुड इवनिंग, आकांक्षा, अवंतिका, इशिता, आकृति सिंह, वेरी गुड इवनिंग जी, वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू दिस सेशन. तो देखिए हर दिन शाम 5 बजे ये सीरीज होगा. दिस विल बी अ क्विक रिविजन काइंड ऑफ सीरीज, मतलब आपको पता है दिस इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस. अवेयरनेस के बारे में जो सवाल होते हैं जितना करोगे उतना अच्छा है, और उसके बाद मैपिंग करना होता है जी कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं, ये दोनों ही आज हम करेंगे. पाही, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम जी, वेलकम. संगीता, वेरी गुड इवनिंग. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जी. स्टूडेंट फास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप देख सकते हो सीयू से 2021 कैसा सवाल आ जाएगा. फास्ट क्वेश्चन में बताया गया परपोरेशन जो है ये जो है दिस इज व्हाट, ये जो परवापोरेशन है व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज इट. तो आप देख सकते हो इज इट आयन रिमूवल, इज इट सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स, इज इट सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और वाटर प्यूरिफिकेशन. टेल मी एवरीबॉडी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन. आई एम वेरी गुड इशिता, नाइस टू सी यू ओवर हियर. आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन ऑफ यू. ट्राई करिए, क्या आपको पता है परवापोरेशन के बारे में, परवापोरेशन कैसा प्रोसेस है और परवापोरेशन में हम क्या करते हैं जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आपको पता है, यस और नो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी. वेरी गुड इवनिंग मनीषा यादव, वेलकम जी, वेलकम. देखिए इन सेशनों में हम लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर बातें करेंगे. आकांक्षा यादव इज सेइंग वाटर प्यूरिफिकेशन, इशिता बनर्जी सिंह सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स, आकृति सिंह इज डीइंग डी, वेरी गुड. जल्दी जल्दी बताइए जी. हर्ष द्विवेदी बता रहा है टू, हर्ष द्विवेदी बता रहा है टू. देखिए हालांकि ये जो सवाल है इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो देखिए इस सवाल का जवाब जो सही हो जाएगा मैं बता दूं आप लोगों को, सारे स्टूडेंट ट्राई करते रहो तब तक मैं एक अच्छा काम करता हूँ. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हर्ष, यहाँ पे इशिका, सचिन और यहाँ पे राकेश, शुभश्री, आप लोग आंसर दे रहे हो जी. लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसेस जी, दिस इज द प्रोसेस.
आई होप द वीडियो इज प्रॉपर टू यू. प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए ये वीडियो आपके लिए क्लियर है कि नहीं जी. प्लीज मुझे बताइए ये वीडियो आपके लिए क्लियर है कि नहीं. इज इट वर्किंग? चलिए, आई बिलीव यू कैन सी इट राइट. एवरीबडी जस्ट गिव मी द आंसर. आई सी आप देख सकते हो नीचे लिक्विड है, ये थोड़ा यू नो मॉडिफाइड वर्जन है, ऊपर वैक्यूम जा रहा है. यू कैन जस्ट हैव लिक्विड्स ऑल्सो, वैक्यूम जा रहा है और देख सकते हो आप नीचे से जो लिक्विड जा रहा है वहां पे जो कुछ आप देख सकते हो ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसको हम अलग करना चाहते हैं. थ्रू दिस प्रोसेस आप लिक्विड्स को सेपरेट करके इन जो मॉलिक्यूल्स को है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो. इस फ्लो के लिए ये इस तरफ आ जाता है जी, उसके बाद ऊपर से निकालकर उस तरफ चला जाता है और वो जो लिक्विड है इस तरफ चला जाते हैं. तो बेसिकली ये एक जनरल अवेयरनेस का सवाल है, आपको डीप नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए. आपको आंसर बताना होगा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी सेपरेशन ऑफ लिक्विड. बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर 2 और 4 के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देखिए ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे डीप नॉलेज नहीं लगेगा. एंड दिस इज नॉट यूपीएससी राइट. तो आपको अगर सीयूईटी पीजी देना है बहुत ही ऊपर ऊपर से सवाल को पढ़ना पड़ेगा. ये है प्रोसेस जिसको हम परवापोरेशन बताते हैं. और परवापोरेशन क्या करता है जी, बीच में एक मेम्ब्रेन रहते हैं. आई बिलीव ये वीडियो एंड हो गया, आप देख सकते हो बीच में जो मेम्ब्रेन है वो अलग करते हैं लिक्विड्स को. तो सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. तो याद रखिएगा जी, यहाँ पे याद रखना एक बहुत बड़ा स्किल होता है. सेपरेशन ऑफ स्किल हो जाएगा इसका आंसर. आप देख सकते हो बाय यूजिंग सिलेक्टिव मेम्ब्रेन परवापोरेशन कैन बी अप्लाइड टू द डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूशन एज वेल एज द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंटेनमेंट इन एन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो आपको कंटेनमेंट जो होता है उसको अलग करने के लिए, कंटेमिनेंट जो होता है उसको अलग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं जी. तो आंसर इज 2, याद रखिएगा. आपको याद रहे इसी कारण मैं ये एनिमेशंस लेकर आया हूं. जल्दी बताइए द सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है. हर्षचरित और कादंबरी क्लास 10th पे जिस लेवल पे आप चीजों याद रखते थे तो थ्रू जनरल अवेयरनेस वही टेस्ट करते हैं. तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा हर्षचरित्र और कादंबरी ये कौन सा राइटर के माध्यम से रचा गया है. जल्दी बताइए, दिस शुड बी करेक्ट. वेरी वेरी गुड खुशबू, वेरी वेरी गुड श्रेयाशी, वेरी वेरी गुड संगति, बेन स्टॉक्स, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक आरती सिंह, सचिन. मतलब हमारे जनरल अवेयरनेस हमारे स्टूडेंट का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, फिर तो सोचने वाला बात नहीं है. हर्ष, अवंतिका, इशिता, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. देखिए बाणभट्ट जी ने हर्षचरित्र एंड कादंबरी लिखा था और ही वाज अ पोएट, एमिनेंट पोएट. और हर्षचरित्र जो है राजा जो था, एम्पायर जो था, ये जो हर्ष था उसके बारे में, हर्ष किंग हर्ष के बारे में लिखा गया था हर्षचरित्र. एंड कादंबरी वाज आल्सो रिटन ओवर यू नो रचना बाय बाणभट्ट. सो एनीवे स्टूडेंट ये बहुत ही इजी सवाल था. तो आप देख सकते हो बोथ ऑफ द सवाल आर फ्रॉम सीयूईटी 2021. ध्यान रखिएगा, तो एक सवाल आ गया है बेसिक साइंटिफिक मेथड के ऊपर. सर ये लेक्चर अवेलेबल रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल आकाश. तो देखिए ये जो एक बात समझ लीजिए मैं जो आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा जी. आपको समझना होगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं. आपका ब्रेन मैच्योर हो रहा है तो उसके साथ साथ ये समझ लीजिए. पहला क्वेश्चन आया है बेसिक साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर, तो कुछ मेथड्स का नाम देकर आपको पूछ सकता है ये किस में काम पे लगता है. सेकेंड क्वेश्चन आ गया है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि कौन सा बुक किसने लिखा. और वो जो पॉपुलर सवाल है आते थे अप टू क्लास 10th हिस्ट्री में, वही चीज दौड़ा गया है. तो जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में ऑनलाइन पे भी बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएगा. ऐसा टॉपिक को उठाकर उसको आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे प्रिपरेशन लेना है. 1 month ही बाकी है जी, ज्यादा टाइम देना नहीं है, कम टाइम देकर एफिशिएंटली स्टडी करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं जी और देख लेते हैं सवाल क्या है. प्रेजेंट डे इस्तांबुल इन तुर्की वाज अर्लियर नोन एज. तो आप देख सकते हो अभी तक जो पहला वन वाज फ्रॉम फ्रांस, देन इट वाज वन फ्रॉम इंडिया, देन वर्ल्ड के बारे में एक नॉलेज पूछा गया है वर्ल्ड जी के. प्रेजेंट डे इस्तांबुल इन तुर्की वाज अर्लियर नोन एज, क्या इसका जवाब दे सकते हो जी? क्या ये जवाब दे सकते हो जी? प्लीज बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. वेरी वेरी गुड, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स जी, जल्दी जल्दी बताइए. अच्छा, ऑटोमैन बता रहे हो जी, ऑटोमैन बता रहे हो, और कोई भी बताइए, और कोई बताइए.
टू बता रहे हो ऑटोमैन, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, क्या आपको पता है? देखिए इसका जवाब जो है जी ऑटोमैन जो है आप बता रहे हो बिल्कुल, क्यों कारण क्या है मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल सही हर्ष, हर्ष ने बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, द करेक्ट जवाब ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कॉन्स्टेंटिनोपोल। प्लीज याद रखिएगा कॉन्स्टेंटिनोपोल इज वॉज द नेम ऑफ दिस, आई थिंक इन 1923 और 20 समथिंग इन दैट पर्टिकुलर उस टाइम पे आके ये नेम चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल में एक्चुअली क्या होता है जी, अभी का नाम जो पहला नाम था दैट वाज कॉन्स्टेंटिनोपोल, अभी नाम है इस्तांबुल, आप देख सकते हो दिस इज अ पिक्चर ऑफ इस्तांबुल, अ ब्यूटीफुल सिटी। नाउ इस्तांबुल में ये ब्लू मॉस्क है जी, बहुत बहुत पॉपुलर है, हेरिटेज साइट्स है, क्यों पता है आपको? गलती हुआ जब आप बुक में पढ़े थे ऑटोमैन एम्पायर के बारे में, बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में, इन सारे डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में अगर आप पढ़े हो, इन सारे एम्पायर्स का वंस अपॉन अ टाइम दिस वाज अ यू नो कैपिटल, बहुत बड़ा शहर है और बहुत सारे एम्पायर्स का कैपिटल हो चुका है, इसी कारण से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जगह है इस्तांबुल। अगर आपको मौका मिले जरूर घूमकर आइएगा, बट ये इस्तांबुल का पिक्चर है और कॉन्स्टेंटिनोपल उसका पहला नाम था, अंकारा उसका ही एक सिटी है, बट अंकारा जो है टर्की का एक सिटी है, बट ये अंकारा नाम करेक्ट नहीं है, इस्तांबुल शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आई होप आपको अच्छा लग रहा है स्टेशन, और स्टेशन को अगर अच्छा लग रहा है, अगर हेल्पफुल लग रहा है तो ऑब्वियसली जी लाइक दबाइएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। ये थ्रू आउट द वीक चलने वाला है और हर दिन मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो सवाल है वो लेकर आऊंगा जी। क्या कोई बता सकते हो यूएन डे कब सेलिब्रेट होता है? यूएन डे कब सेलिब्रेट होता है जी? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? बताइए जी यूएन डे कब सेलिब्रेटेड होता है जी? देखिए ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, हम लोग बहुत सारे बिजी रहते हैं, बट आपके रिक्वेस्ट पे हम आके ये सेशन कर रहे हैं बिकॉज आपको एक गाइडेंस चाहिए। तो अगर अच्छा लग रहा है इस सेशन को, ऑब्वियसली बताएंगे आप और क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड रिया जायसवाल, हर्ष, बेनस्टॉक, आकांक्षा, फैंटास्टिक, यू पीपल आर ट्रिमेंडसली गुड। सचिन मौर्य, वेरी वेरी गुड जी, बिल्कुल सही हो आप लोग जी। 24th of October शुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों बता सकते हो क्यों ऐसा, क्यों यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं हम 24th of October स्टूडेंट 1945। अगर मैं बता दूं यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था, और ये फॉर्मेशन का कारण क्या था जी? इस फॉर्मेशन का कारण था वर्ल्ड वॉर टू। अगर आप देखोगे उसके पहले वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों को लगा देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल बी एन यूनिटी अमंग द कंट्रीज। 51 कंट्रीज जो है, कितना बताया जी, 51 कंट्रीज मिलकर, 51 नोट डाउन करिए, 51 कंट्रीज मिलकर यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किया गया था फॉर वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड यूनिटी, सब सारे चीज को देखने के लिए। सो दिस वॉज द रीजन, वेरी वेरी रिलेटेबल। 24th of October 1945 बनाया गया था क्योंकि जी उसके पहले ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था। सो आई होप इट क्लियर टू यू, लेट्स मूव ऑन जी। दिस इज अ क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर। स्टूडेंट आप देख सकते हो यूएन के बारे में सवाल आ गया, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपके पास जानकारी है जनरल अवेयरनेस के लिए वो अच्छा है। सेकेंड बात है ऑथर्स, जी हाँ, डिफरेंट नॉवेल्स, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में यहाँ पे आपको पता है, लियो टॉल्स्टॉय का नाम नहीं है बट लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम ओरसोट, रस्किन बॉन्ड एंड जॉर्ज इलियट। सो डिफरेंट जगह का जो पॉपुलर राइटर्स थे उसका लिखा गया जो बुक्स किताबें है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी एक्सपेक्ट किया गया है। जल्दी बताइए जी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। शाहिबा, अंकिता, खुशबू, हर्ष, वेरी वेरी गुड जॉर्ज इलियट, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो जी। जो लोग जॉर्ज इलियट बता रहे हो आप लोग बिल्कुल बता रहे हो, ये जीके का कॉमन क्वेश्चन है, अदरवाइज इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, उसी से आपको आएगा, बस आपको देख लेना है ऑनलाइन में जाके जो चलता हुआ एसएससी सीजीएल बताइए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसका जो जीके आते हैं, इन सारे टाइप में क्या क्या ऑप्शंस है और भी आंसर्स क्या क्या हो सकता है, और भी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, वो सॉल्व करिए, बेहतरीन तरीके से आपको कॉमन मिल जाएगा, मेरे तरफ से मैं बता सकता हूँ। जॉर्ज इलियट जो है दी, जॉर्ज इलियट का एक्चुअल नाम जॉर्ज इलियट नहीं था, ये इंफॉर्मेशन बहुत लोगों के पास नहीं होता है। मेरी एन इवंस, दैट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। तो ये सवाल आ सकता है जी जॉर्ज इलियट का, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो जीके जनरली नहीं आते जी आपके लेवल पे,
लेकिन अगर आप अच्छे एग्जाम जैसे यूपीएससी के लिए कभी तैयारी करोगे तो जीके का भी बहुत डीपनेस होता है। जैसे ऑटोमैन बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में मैं बता रहा था, तब आपको प्रॉपरली उसके बारे में स्टडी करना है, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। जीको को भी आप एक सब्जेक्ट की तरह कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, बट अभी उसका जरूरत है नहीं। चलिए आप देख सकते हो, मैरी एंड इवंस वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट एंड जॉर्ज इलियट वॉज द पेन नेम, यानी कि जो भी बुक लिखा गया है और ये मैरी एंड इवंस ने उन्होंने जितना बुक लिखा जॉर्ज इलियट नाम से ये बुक का रचना किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, सारे स्टूडेंट को आना चाहिए, 100% स्टूडेंट शुड गिव मी द करेक्ट आंसर। लेट मी आस्क सम वाटर और बताइए जी, 100% स्टूडेंट शुड गिव मी करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए जी। वेरी वेरी गुड, खुशबू, इशिता, हर्ष, शेरशी, पूनम, इशिता, पूनम, वेरी गुड, आईज आर द करेक्ट आंसर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो आईज हो ही गया, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में मिलता है, व्हाट यू शुड डू, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी जी, सिंपल बात सर, ऐसा एक चार्ट है पढ़ लू। देखो आपके लिए मैं लेकर आया हूं जी, लेकिन सारे चीज आपके लिए लाना इम्पॉसिबल है टाइम जोन के अंदर, आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको दिशा दिखाऊंगा, इतना मैं आपको कर सकता हूं। देखो देखिए, ये कलेक्शन ऑफ डिजीज है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, और ऐसा नहीं कि मैं ये विकिपीडिया से उठाकर लेकर आया हूं, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये चार्ट यूज होता है जी, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम का बुक्स में ये चार्ट यूज होता है, और जो क्वेश्चन सेटर है उन्होंने भी इसी सोर्स का यूज किया आपका क्वेश्चन करने के लिए। ऑल यू नीड टू डू इस चार्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जी आप एक काम कर सकते हो, हमारे जो आईएफएस का ऐप है वहां पे जाके मैं पीडीएफ अपलोड करके रखूंगा, ये पीडीएफ अवेल कर सकते हो। देखिए आर्थराइटिस जो है जॉइंट्स का होता है, ये तो घर पे आपको बताया है आर्थराइटिस के बारे में। आस्थमा जो है आप देख सकते हो, एस्थमा कभी कभी बताते हैं हम, ब्रोंकाइलन मसल्स के बारे में बात किया गया है, और तो उसके बाद देखिए ब्रोंकाइल मसल्स के बारे में, कैटरेक्ट आईज, डायबिटीज, पैनक्रियस, डायप्थेरिया जो होता है थ्रोट के लिए होता है, एक्जिमा स्किन का होता है, ग्लूकोमा आईज का होता है, गॉइट्री होता है, थायराइड ग्लैंड, जॉन्डिस लिवर, हियर यू कैन सी ल्यूकोमिया, ब्लड रिलेटेड जो है देख सकते हो, बोन मैरो, मैलेरिया स्प्लीन, मेनिनजाइटिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, विट ओटिटिस ईयर्स, पैरालिसिस नर्व्स, न्यूमोनिया लंग्स, पोलियो लेग्स, pyrenia, I think, teeth and gums, and this one is rheumatism, right? Rheumatism is for joints. Uske baad sinusitis, you know, inflammation of sinus, tonsillitis, tonsils, trachoma, eyes, tuberculosis, lungs, typhoid, intestine. अच्छी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट नाम तो नहीं है, उसमें भी मुझे दिक्कत हो रहा था दो एक नाम पे, तो आप समझ सकते हो बस ये दो तीन नाम है बच्चों, बस दो तीन नाम के बारे में आप पढ़ लो, आपका एग्जाम में जरूर जरूर सवाल आ जाएगा, राइट सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, बहुत खूब। तो देखिए ये जो बात है, ये जो सवाल है, ये हर साल आते हैं, 5 क्वेश्चन आता ही है ऑन एन एवरेज, इस साल और ज्यादा भी आ सकता है, 6 to 7 क्वेश्चन, और ये सवाल ऐसा है जी जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, देख कर कर सकते हो, 5 सवाल 5 सेकंड, तो ये बात है, पढ़ के जाओ, मार्क्स लेकर आओ। चलो आगे बढ़ो, देखिए ये सवाल है बहुत बहुत इजी सवाल है, कौन इस सवाल का सही जवाब बता पाओगे, जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए जी, इस सवाल का सही जवाब क्या है, 5 क्वेश्चन सिर्फ इस चार्ट से, वेरी वेरी गुड सर, जल्दी जल्दी बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है, इन क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है जी, वेरी वेरी गुड जी, राजपूत, खुशबू, शाहिबा, अर्चिता, हर्ष, बेन स्टॉक, क्या बात है जी, मजा आ गया सेशन लेकर, मजा आ गया, क्या आप लोग का परफॉर्मेंस है, कॉन्फिडेंट रहो, बस दिमाग का प्रयोग करो, इंटरनेट में सारे कुछ अवेलेबल है, जैसा मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, इंटरनेट का यूज करो, चीजों को पढ़ो, बस 100% मार्क्स आपको जीके को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आप देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल सही है, दिस इज द लेक बैकाल, क्या कोई बता सकते हो जी कहाँ पे सिचुएटेड है जी, ये रशिया पे सिचुएटेड है, इसीलिए लेक बैकाल जो है पूरा का पूरा जम जाते हैं, आपको पता है रशिया में ठंडी कितना ज्यादा है, तो रशिया में ये सिचुएटेड है जी लेक बैकाल, एंड इट हैज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ, मतलब डिफरेंट रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो डीपेस्ट लेक का भी है, लार्जेस्ट का भी है, और स्वीट वाटर होता है यहाँ पे, ठीक है, जो पानी है जी यहाँ पे स्वीट वाटर होता है,
सर प्रीवियस साइट का स्क्रीनशॉट सर लेना है जी राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो चार्ट इन पे आपको शो कर दूंगा, डिजीज वर्सेस एफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। तो एनीवे स्टूडेंट, लेक बाइकाल इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा दिस इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट जहां तक आपको बताया हर दिन 5 बजे मैं आने वाला हूँ ऐसा जीके का सवाल लेकर, अब जल्दी जल्दी हर दिन आ जाना, इन सवालों को मेरे साथ सॉल्व करना, ऐसा हो बहुत चांस है बिल्कुल बिल्कुल कॉमन मिल जाए आपको सारे के सारे सवाल, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम करीब करीब इस वीक पे करीब करीब 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जरूर आ जाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी लेता रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, तो देखिए ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपको WWW आप जो करते हो www.something, तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है स्पाइडर वेब की तरफ पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला जो वेब है, ये कौन बनाया है, Who invented the World Wide Web? जी जल्दी बताइए, वेरी वेरी गुड, क्या स्टूडेंट्स है हमारे, श्रेया पात्र, हर्ष द्विवेदी, श्रियांशी, आकांक्षा, रिया, अर्चिता, शाहिबा, काजल, आकांक्षा, पूनम, इशिका, क्या बात जी, बेहतरीन तरीके सही कर रहे हो, और किसी के नहीं यार, खुद के लिए लाइक दबाओ, इतना बढ़िया बैच है। चलो आगे देखते हैं जी, आप देख सकते हो ये जो आंसर है चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था, सारे स्टूडेंट बताइए, चार्ल्स बैबेज वाज पॉपुलर फॉर किसके लिए, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपको आंसर पता होता है, बट दूसरे ऑप्शन को क्रॉस करके भी आप आंसर निकाल सकते हो जी, चार्ल्स बैबेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के इन्वेंशन के टाइम पे चार्ल्स बैबेज का बहुत बहुत ज्यादा हाँ इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। अगर मार्टिन कूपर के बारे में बात करूं किसी को पता है जी, तो चार्ल्स बैबेज वाज फॉर कंप्यूटर, मैं अगर बता दूं चार्ल्स मार्टिन कूपर के बारे में किसी को क्या पता है, प्लीज बताइए मार्टिन कूपर के बारे में क्या किसी को पता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड आंसर आने वाला है मार्टिन कूपर के लिए, बताइए मार्टिन कूपर ने क्या किया था, पता है आपको, ये जो मोबाइल फोन यूज करते हो ना वायरलेस कनेक्शन, दैट मैन वॉज इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम। तो अगर मोबाइल फोन के बारे में आपका बात आ जाएगी जी, मोबाइल फोन के बारे में अगर बात आ जाएगा, यू शुड और बेटर वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन जी, वायरलेस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, नहीं पता है, वेरी वेरी गुड, वायरलेस कनेक्शन के लिए मार्टिन कूपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे। बिल गेट्स के बारे में तो सबको पता है जी, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यू नो अबाउट बिल गेट्स, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, द फाउंडर ऑफ, तो द आंसर शुड बी टीम बर्नर्स-ली, जी हाँ टीम बर्नर्स-ली जो है उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट किया है, ही वॉज द स्रष्टा, यू नो स्रष्टा ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड वेब। लेट्स मूव ऑन जी, दिस इज अ सवाल वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट के लिए सीयू से 2020 में आया था, बहुत रिसेंट सवाल, द इंडिया का जो करंट एफर्ट्स होता है ना उसके ऊपर एक सवाल आ सकता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू व्हिच लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, प्लीज जल्दी जल्दी बताइए जी, सारे स्टूडेंट को इस जवाब को सही ढंग से देना पड़ेगा, प्लीज जल्दी जल्दी बताइए, दैट्स द स्पिरिट माय स्टूडेंट, दैट्स द स्पिरिट, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा, अर्चना नायक, हर्ष, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ समट, मनीषा, आकांक्षा, जी राजपूत, रिया जायसवाल, श्री शाहिबा कादरी, बल्लभ भाई पटेल, जी जी हाँ आप बिल्कुल सही बता रहे हो, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप देख सकते हो गुजरात में सिचुएटेड है, तो दिस वन इज बिकॉज ऑफ बल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है वो बनाया गया है, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम जी, वेलकम शमर, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल आपके लिए वेट कर रहा है, क्या ये सवाल दे सकते हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड सवाल। देखिए हम सियाचिन के बारे में सुनते रहते हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से डिफरेंट, बट ये सियाचिन ग्लेशियर जो है एक्चुअली कौन सी रेंज पे ये लोकेटेड है, प्लीज बताइए, द पूर्वाचल रेंज, द सातपुड़ा एंड विंध्य रेंज, द हिमालयन रेंज, द ईस्टर्न काराकोरम रेंज, द ईस्टर्न काराकोरम रेंज, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, प्लीज बताइए, फैंटास्टिक अवंतिका, आई लव योर रिस्पॉन्स, वेरी वेरी गुड साक्षी महाराज, वेरी वेरी गुड आकृति सिंह, यू पीपल आर ट्रिमेंडसली गुड, फैंटास्टिक जी, बहुत अच्छा बताया आपने,
द ईस्टर्न काराकोरम जोन। तो अगर ये सवाल को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है जी, थोड़ा बहुत गूगल में जाके टाइम लेकर पूर्वाचल रेंज क्या है स्टडी करिए, शालपुरा एंड विंध्या रेंज क्या है स्टडी करिए, हिमालयन रेंज क्या है स्टडी करिए, सिर्फ सही आंसर रट के मत चलो। जीके पढ़ने का तरीके कैसे होना चाहिए, अगर ये सवाल आया है इट्स ए यू नो गेट टू अ पर्टिकुलर यू नो ओशन ऑफ नॉलेज। तो अगर इस सवाल को आप पढ़ रहे हो सिर्फ आंसर मार्क करके चला नहीं जाना चाहिए आपको नेक्स्ट सवाल में, आपको क्या करना है बाकी तीन पॉइंट्स के बारे में प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। ये होता क्या, एटलीस्ट ऊपर ऊपर पूरा प्योरली आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए जी, बट ऊपर ऊपर जिस्ट को जिस्ट जो है वो देख लीजिए। सो एनीवे स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा है मेरे बातें और आप ये सेशन भी एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू सो मच, दिस वर फ्यू ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू, शॉर्ट सेशन होगा, क्विक सेशन होगा, आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं मैं भी बिजी हूं, बट मैं ये सेशन आपके लिए लाया हूं, बिल्कुल बिल्कुल ये हेल्प करेगा। हर दिन मैं आपके लिए ऐसे सीयू सेट का सवाल लाऊंगा, डिफरेंट सवाले लाऊंगा, बस आप अटेंड करो और घर पे जाके जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे प्रिपरेशन करिए, सारे सवाल 5 to 6 सवाल आपका कॉमन आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए गुड बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड लेट्स मीट टुमारो अगेन एट 5 PM। आ जाइएगा, बेहतरीन तरीके से चेक करेंगे कि आपका जीके का नॉलेज कैसा है। थैंक यू सो मच सर, वो साइट का स्क्रीनशॉट जरूर जी राजपूत, एक स्लाइड है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। हाँ डेली क्लास होने वाला है अर्चना, सोचने वाला बात नहीं है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए वेरी गुड जी राजपूत, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए गुड बाय एवरीबॉडी, फिर से मिलते हैं, अलविदा, लेट्स मूव टू टुमारो, टुमारो मिलते हैं 5 बजे, चलिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए।